साहब, आज तो आपके जो आपके लीडर हैं अखिलेश यादव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे नाहिद हसन का सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा ठीक है, गिरफ्तार कर लिया है तो हम इनके परिवार के जिस व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं होगा उसको टिकट दे देंगे। तो क्या अब इनका टिकट कैंसिल हो रहा है? देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप को फैसला लेना है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बार बार जो इल्जाम लगाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या इतने निष्क्रिय थी कि एक साल से उनको ढूंढ नहीं पा रही थी? और अभी अभी मृगांका जी ने कहा कि वो केरला में नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं थे, तो क्या वो भारत में नहीं थे? एक चीज पर जो इनका आरोप है आप जवाब दीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास जा रहा हूँ। ये बताइए, नाहिद हसन पर जो आरोप लगे हुए हैं, इनका कहना है कि ये एक अपराधी छवि के व्यक्ति हैं और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं। आपका कहना क्या है कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं? देखिए, ये जो परिवार है, ये परिवार राजनीतिक परिवार है, और राजनीतिक परिवारों में जब धरना प्रदर्शन होते हैं तो इस तरह के केसेस लगते हैं। लेकिन मैंने अब शुरुआत में ही कहा था कि योगी जी पर तो मर्डर तक के केसेस थे, दंगा भड़काने के केसेस थे, उन पर जो है केसेस योगी जी ने वापस ले लिए और अपने आप को स्वच्छ बना लिया। तो ये पहली बार सरकार है और पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ही कलम से अपने केस। मैं अनिल जी को लाता हूं चर्चा में और आपके आरोपों का जवाब लेता हूं। नाहिद हसन की बात हो रही है तो ये बताइए, वो ये पूछ रहे हैं कि एक साल से क्या कर रही थी योगी सरकार में पुलिस, और चुनाव के वक्त नाम अनाउंस होते ही गिरफ्तारी का क्या मतलब? अनिल जी, मेरी सबको राम राम। और देखिए सौरभ जी, नाहिद हसन क्या, नाहिद हसन, हाजी यूनुस, मदन भैया और ये अमरपाल शर्मा, रफीक अंसारी, असलम चौधरी, इतनी लंबी लिस्ट है। अरे, राजनीतिक द्वेष के कारण जो मुकदमे लगाए जाते हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो एस्टेब्लिश गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर है। अब योगी आदित्यनाथ जी के विषय में बात कर रहे हैं, गांधी जी आपके जो नेता है ना, जो कभी अपने आप को टीपू सुल्तान कहलाना बहुत पसंद किया करते थे, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है, तो मैं मान जाऊं कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? योगी के ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ना, जो अपराधी और लैंड माफिया है, उनकी 1900 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को कब्जा किया, ध्वस्त किया, आज गरीबों के घर बन रहे हैं उसमें। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है 12,000 जो इनामी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 150 के करीब जो अपराधी हैं उन लोग मुठभेड़ में वो मारे गए। हाँ, आप ये देख लीजिए, बलात्कार में जो है 52% की कमी आ गई है। हत्या की अगर हम बात करते हैं, डकैती की अगर हम बात करते हैं, तो तकरीबन 70% की कमी उसमें आ चुकी है। आप पूछ रहे हो मुझसे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर चालू हुई, जिसकी वजह से अपराधीकरण में बहुत बड़ा अंकुश लगा, जिसकी वजह से उद्योग भी पनपे हैं। आपके समय क्या उद्योग था? एक्सटॉर्शन का, अपहरण का। तो सीधी सी बात है साहब, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत कुछ कर रही थी और जो नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन आपको भी होगा। आपके आपके जवाब पर दोनों लोग जवाब देना चाहते हैं, एक बार जरा फैजान साहब को चर्चा मिला। जी फैजान साहब। सौरभ भाई, जो अनिला सिंह जी अभी बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी, अनिला सिंह जी, मैं बहुत क्लियरली और जिम्मेदारी के साथ बोला हूँ, आपकी पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया गर्दी कर रही थी। मैं आप ही के हिसाब से आपको डाटा दे देता हूँ, यह एनसीआरपी की रिपोर्ट है, मानव अधिकार का रिपोर्ट है। 3 साल में 23 मौतें पुलिस हिरासत में होती है, 3 साल में 23 मौतें पुलिस हिरासत में होती है। आपके मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर में पुलिस एक्सटॉर्शन का केस कर रही थी, उस महिला जिसने विधवा कर दी, महिला जी क्या कहेंगे उसको? पुलिस अनिला जी सुन के एक एक करके प्लीज। आपकी पुलिस लखीमपुर खीरी में क्या कर रही थी? टैनी साहब पत्रकारों पे सवाल पूछने पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप कह रही है माफिया गर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है। आप एक महिला है अनिता सिंह जी, आपकी पुलिस हाथरस की बेटी के साथ क्या इंसाफ किया? आपके पुलिस ने क्यों भी उस पर जवाब दिया? आपकी पुलिस उन्नाव में क्या कर रही थी? आपकी पुलिस विकासगंज में क्या कर रही थी? तमाम ऐसे केसेस है अनिता सिंह जी जहां पर साफ उजागर होता है कि आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस को आपके भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में माफिया बना दिया गया था। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जब आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी का शासन चलता तो कानून द्वारा कानून का राज स्थापित था। आप क्यों नहीं जवाब देती इन सब मैटर पे? फैजान साहब ठीक है, आपके आरोपों पर ये जवाब देंगे। अब जरा दो शब्द आप समाजवादी पार्टी के लिए बोली, क्योंकि मायावती जी ने तो खुलकर कहा है कि सपा राज में गुंडा राज चलता था। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक का पोषक है।
साफ तौर से लिस्ट उठाकर देख लीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके लिस्ट में वही कैंडिडेट आपको सामने आएंगे जो लोग पुष्टिकरण, ध्रुवीकरण और माफिया गर्दी, आतंकवादी कैसे लोग प्रति के लोग है, ये दोनों ही पार्टी में शामिल है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पर्यवाची या समाजवादी पार्टी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।